और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लाल बटन है सब्सक्राइब का, और बेल आइकन में प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिल जाया करें। सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड, इस कंपनी के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। और मैं समझ सकता हूँ कि बहुत लोग निवेशित होंगे इसमें, जो लॉन्ग टर्म या जो लंबे समय के निवेशक हैं इसमें, क्योंकि बेहतर परफॉर्म कर रही थी कंपनी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, एक मल्टीबैगर भी था एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं पता होता कि आगे चल के कंपनी में क्या होगा, उसके मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, या उसके नतीजे किस प्रकार के आने वाले हैं, या जो उसका इंटरनेशनल बाज़ार में जो उसकी पकड़ थी, या जो एक्सपोर्ट का जो उसका काम है, जो माल वगैरह सप्लाई करती है, एक्सपोर्ट करती है, बाहर भेजती है, या डोमेस्टिक में जो भी उसकी चैन है, तो किस प्रकार का रहेगा, ट्रेड वॉर का क्या कितना इफेक्ट पड़ता है, या मैनेजमेंट को लेकर इफेक्ट पड़ता है, क्यों शेयर गिरवी रखे जा रहे हैं, ये भी कुछ नहीं पता। क्वार्टर वन के भी रिजल्ट आ चुके हैं, वो भी बताएंगे। और फिलहाल बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सकुमा में क्या करें, सकुमा में मैं तो कहूँगा कि अभी दूर ही रहिए, क्योंकि जिस लेवल से इस पर सर्किट लोअर लगे हैं, और काफ़ी छोटी प्राइस का एक पेनी स्टॉक बन चुका है। और पेनी स्टॉक का हालत एक और जगह से ख़राब हुई थी, जब मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ यहाँ से, जब इसने अपनी फेस वैल्यू 10 से 1 की, यानी पहले 10 गुना प्राइस का था, जैसे कि टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो गए, फेस वैल्यू 10 की, यानी 12 नवंबर 2018 को, और फिर यहाँ पे लगातार अच्छा परफॉर्म किया, ये काफ़ी हाई बनाया और 42 रुपये के भाव पे गया। करेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ मैं, क्योंकि फेस वैल्यू टूटने के बाद करेक्टेड प्राइस हो जाती है। और यहाँ पे जो इनके रिज़ल्ट आए थे उसके बाद से यहाँ पे डाउन साइड दिखाया रहा था, उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट हुई, और आज जो स्थिति है 7.25 रुपये के भाव पे ट्रेड हो रहा है, यानी आज फिर साल का नया लो बना चुका है। BSE पे देखिए इसका प्राइस है 7.25 रुपये, आज है 22 अगस्त 2019, और मार्केट बंद हो चुकी है, ये वीडियो तब बन रहा है। और इसमें अगर हम न्यूज़ पे चलते हैं क्या चल रहा है, ओनली बायर्स 22 अगस्त, है ना, तो निसंदेह काफ़ी इसमें भयानक गिरावट है। और अगर हम मार्केट कैप देखते हैं क्या स्थिति है, कितनी बची है, आइए हम दूसरी जगह देख लेते हैं। देखिए मार्केट कैप इसकी रह गई 165 करोड़ की, और जो जिन्होंने एक साल पहले इसमें पैसे लगाए होंगे तो उनको 55% का लॉस हो रहा है, और जो 6 महीने पहले उन्होंने पैसे लगाए थे उनको 78% से ज़्यादा का लॉस हो रहा है। P/Ratio 2.33 का है, अर्निंग पर शेयर 3.27, और प्राइस टू बुक हिसाब से 0.51, यानी कि डिलीवरी देखिए अभी 100% शो कर रहा है, लोगों ने भर रखा है माँ कसम। एनीवेज अब हम चलते हैं, अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं 9.56 की है जो इसकी बुक वैल्यू निकल के आ रही है, और प्राइस चल रहा है 7 रुपये, यानी कि बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, अभी देखिए वर्तमान जो स्थिति दिखती है आंकड़ों के हिसाब से वो सस्ता है, लेकिन बिल्कुल भी दूर रही है अभी इस स्टॉक से, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाइंग कर लें। प्राइस टू बुक है 0.76, और डिलीवरी 100% देख ही चुके हैं आप, जबकि इंडस्ट्री पी है 28 की, और प्राइस टू अर्निंग इसका रेशियो जो है 5.14 है, तो पी काफ़ी कम हो चुका है। और हम नतीजे भी दिखाते हैं आपको कि क्वार्टर वन के कैसे नतीजे रहे, या ईयर ऑन ईयर के भी कैसे रहे। अगर हम कंसोलिडेटेड देखेंगे यहाँ पे नतीजे, जून 18 में जो 912 करोड़ की थी नेट सेल्स, जो इनकी बिक्री थी, जो रेवेन्यू था, वहीं जून 19 में एक साल बाद एक साल का 304 करोड़ की रह गई, तो यानी करीब करीब 60% से ज़्यादा की गिरावट है अनुमानतः। मार्च 19 में जो इनकी नेट सेल्स थी 1475 करोड़ की, वहीं फिर हम अगर कंपेयर कर रहे हैं क्वार्टर फोर से फाइनेंशियल ईयर 18-19 के, तो क्वार्टर वन में 19-20 में 304, यानी यहाँ भी करीब करीब आप समझिए कि 60-70% से ज़्यादा की गिरावट है। वहीं शुद्ध लाभ, जिसको हम देख के इन्वेस्ट करते हैं कि जब कंपनी कितना कमा रही है, कितना इसका प्रदर्शन है, तो पिछले साल तक तो अच्छा प्रदर्शन था, देखिए जून 18 में 12 करोड़ से ज़्यादा की जो है नेट प्रॉफिट थी, और मार्च 19 में अगेन यहाँ पे जो है 33 करोड़ की थी, लेकिन मार्च 19 से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत ही कम आ गई है नेट प्रॉफिट, 2.85 करोड़, और अगर जून 18 से यानी पिछले साल से हम कंपेयर कर रहे हैं तो 12 करोड़ से सीधे यहाँ पे 2 करोड़, तो क्वार्टरली भी और ईयरली भी ज़बरदस्त डाउनसाइड है, कुछ बचा ही नहीं नेट प्रॉफिट में,
कितना कम हो गया। तो इसीलिए इनके रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, कंपनी कुछ कम बहुत कम कमा रही है, लगातार गिरावट है। तो इस वजह से इस पे काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा है। और भी कई कारण हो सकते हैं मैनेजमेंट की तरफ से, मैंने सुना नहीं, अभी मैंने देखा नहीं कि कुछ कहा गया हो, कुछ सफाई भी दी गई हो, क्योंकि जनरली लोग आगे आके बोलते हैं। देखिए, प्रमोटर्स के पास है 57% से ज़्यादा की होल्डिंग, बाकी की है जो 42% के आसपास वो है पब्लिकली है, FIIs या DIIs। और अगर हम देख लें कि शेयर कितने गिरवी रखे हैं, रखे भी हैं या नहीं रखे हैं, तो वो भी हम स्थिति देख लेते हैं। प्रमोटर्स, हाँ ये पेज खुला है सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड का। प्रमोटर्स हैं इतने सारे और उनके पास इतने इतने परसेंट की होल्डिंग्स हैं, और इनमें से दो लोगों ने जो है, दो प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। इनके पास जितने भी शेयर्स हैं उसका 44% है, मैं नाम नहीं लूँगा। और यहाँ पे पांचवें नंबर पर जो प्रमोटर्स हैं उनके पास जितने शेयर्स हैं, जितने परसेंट, उसका उन्होंने 20% गिरवी रखा हुआ है यहाँ पे, शेयर प्लेस्ड। तो नो डाउट शेयर जो है प्लेस्ड हैं। और अगर हम रिटर्न वाइज देखते हैं तो हमने 1 साल 6 महीने के रिटर्न बता दिए हैं, लेकिन हम 5 सालों के देख लेते हैं। तो अगर आपने 1 लाख रुपये लगाया होता 5 वर्ष पूर्व, तो इस कंपनी में अभी भी 204% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 3 लाख समथिंग हो चुके हैं। सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड, लमसम अगर आपने अमाउंट लगाई थी, तो कंपनी बेहतर थी पहले, अब जो है फिलहाल कैसा प्रदर्शन कर रही है आप देख ही चुके हैं, नतीजे बहुत ही ख़राब आए हैं, प्रमोटर्स शेयर्स अपने गिरवी रखने शुरू कर दिए हैं, तो ये एक और बुरी खबर इस पे है। और बिजनेस आप देख ही चुके हैं कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड पे चलते हैं तो ये शुगर, ऑयल एंड सीड्स एंड ग्रेन्स और दाल वगैरह, मसाले वगैरह, ये सब एक्सपोर्ट करते हैं, एनिमल फीड, कॉटन, है ना। तो कंपनी तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जिस प्रकार से ऐसी स्थिति से गुजर रही है कि इसमें अभी हाथ डालना ठीक नहीं है, नई बाइंग की बिल्कुल भी सलाह नहीं। हाँ, जो लोग निवेशित हैं तो उनका पैसा बहुत कम बचा हुआ है, तो ऐसे में क्या करें, निकल के आप कहाँ जाएँ, क्वान्टिटी है पड़ी रहने दीजिए, बनी रहने दीजिए, क्योंकि पैसा कुछ बचा ही नहीं। अगर कहने का तात्पर्य मेरे यही है कि आप, अब मुझे नहीं पता कि इंडिविजुअल आप लोगों के पास कितने कितने शेयर से कितना कितना पैसा लगा रखा होगा, तो ये होता है ओवरऑल किसी कंपनी में निवेश करने से पहले। और ऐसा भी नहीं कि अपने आप को आप कसूरवार मान रहे हैं, देखिए आपको भी नहीं पता था कि कंपनी ऐसा परफॉर्म करेगी, ट्रेड वॉर का कितना इफेक्ट पड़ा है, या इनका माल बाहर बिक ही नहीं रहा, जा ही नहीं पा रहा जिन जिन कंट्रीज़ में। गेट इन टच इन आवर कॉर्पोरेट ऑफिसेस, देखिए इंडिया में है, UAE में है, तंजानिया में है, घना में है, कनाडा में है, सिंगापुर में है। तो कंपनी इन इन देशों में जो है अपने ऑफिसेस भी हैं, और ये एक्सपोर्ट में यहाँ यहाँ व्यापार भी करती है, प्रोडक्ट भी मैंने दिखा दिए। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, मार्केट का भी दबाव, नतीजों का भी दबाव, प्रमोटर्स के जो गिरवे शेयर्स हैं उसका भी थोड़ा सा प्रभाव, सेलिंग काफ़ी हुई, और इस वजह से मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक से अभी फ़िलहाल आप दूर रहें, मैं यही कहना चाहता हूं। आप लोगों ने कहा था कि इस पर वीडियो बनाएं, तो मैंने Q1 के रिजल्ट्स आपको बता दिए किस प्रकार के रहे, और नतीजे बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। तो यही कहना चाहूँगा आपसे। हाँ, अगर आपको, आपके कोई सुझाव हो या आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन और हो, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ इसमें, देखिए बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिनके मैं रिव्यू देता हूँ, जनरली मैं जो ऐसे कंपनी के रिव्यूज़ कम ही देता हूँ, रिकमेंडेशंस पे ही आता हूँ। और अच्छी अच्छी लार्ज कैप कंपनी हो गए, मिड कैप कंपनीज हो गए, स्मॉल कैप में बहुत अच्छी बेहतरीन कंपनियाँ हैं, तो उन पर मैं, कोशिश ये रहती है कि अच्छी कंपनी के स्टॉक्स आप लोगों को, उनकी इन्फॉर्मेशन दूँ, सुझाव दूँ, ताकि बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। और मार्केट जिस हिसाब से लगातार, आज भी देखिए सेंसेक्स में, यानी अपने भारतीय बाज़ार में, निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स, दोनों में भयानक गिरावट हुई है। तो काफ़ी करेक्ट हो चुका है, नीचे के लेवल पे जा रहा है। अगर हम निफ्टी देखें, निफ्टी 50 में 177 पॉइंट
और वहीं पे सेंसेक्स भी देखते हैं तो 587 पॉइंट के आसपास यहाँ पे गिरावट हुई है आज। तो यही है कि संभल कर निवेश करें, अच्छी कंपनियों में निवेश करें और लंबे समय में निवेश ना करें, थोड़ी थोड़ी स्टॉक्स बाइंग करते जाएं, वो भी अच्छी कंपनी के जो भी आपको पसंद हो, FMCG की हो, ऑटो सेक्टर से भी अभी थोड़ी सी दूर रहें, और आप आईटी सेक्टर में भी निवेश कर सकते हैं, बैंक्स में निवेश कर सकते हैं, कुछ अच्छी बैंक्स हैं। अब यस बैंक मत पूछ लीजिएगा क्योंकि यस बैंक भी काफ़ी नीचे गिरा हुआ है। तो समझदारी का परिचय देते हुए, आप लंबे समय के अगर निवेशक हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि मार्केट काफ़ी गिरावट है तो थोड़े थोड़े लेते जाएँ, या चाहें तो आप अगर रुक भी सकते हैं, आपको लगता है कि थोड़ा हमें रुकना चाहिए, हमें पैसा अपना रखना चाहिए, कहाँ तक और नीचे गिरावट आती है और कंपनियाँ कितनी टूट जाती हैं, और तब ख़रीदारी करें अपने समझदारी के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से, या फिर आपको भी अगर इन्फॉर्मेशन हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन फ्रेंड्स, और आपके सुझावों का स्वागत रहेगा।